बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, ठीक है। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करो। 1 कप मैंने रवा लिया है, इसी मेजरमेंट में लेती हूँ मैं 1 कप रवा। ये 1.5 कप शुगर लिया है और मैंने 1/2 कप जैगरी लिया है। दोनों डालकर ही बनाती हूँ, ये जैगरी मैं यूज़ करती हूँ। फिर हमें काजू लगेंगे, मैंने इलायची लिया हुआ है एंड घी। घी मैं ज़्यादा नहीं डालती, 2 चम्मच होगा शायद, उतना डालूंगी, देखूंगी पहले बनाकर। चलो ये सारे चीज़ लगेंगे हमें हलवा बनाने के लिए। लेट्स बिगिन। मैंने एक पैन गरम किया है, कढ़ाई ले लो, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, ये चम्मच, इस चम्मच से 2 चम्मच। अब हम ये गरम होने देते, ये हो गया गरम। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और सिम में उसको भूनते रहेंगे। 15 मिनट लग जाएगा इसको भूनने में। भून के आपको इसका कलर चेंज होना है, ब्राउन कलर आगा आना चाहिए एंड एक अच्छा एरोमा आता है, तब तक आपको ये भूनना है। ये एकदम पतला रवा है, वो पाउडर रवा बोलते हैं, रोस्टेड ही है, बट इसे आपको अच्छे से और भूनना, ठीक है। सिम में आप भूनते रहिए, मैं भून दूँ तो 10-15 मिनट तो आपको सिम में से भूनना है, कलर चेंज होगा। ये बताती हूँ मैं कैसे कलर आता है। ये देखिए स्लाइट कलर चेंज हुआ है, बट हमें इसे और भूनना है। और आप देखोगे हल्का सा चेंज हुआ है, देखिए। और इसे रोस्ट करना है हमें थोड़ी देर, ठीक है। अब आप देखोगे तो कलर चेंज हो गया है, तो फिर आपको दिख रहा होगा। तो बस हमें इसे रोस्ट करना है और थोड़ी देर। ये मैंने 1 कप लिया होता सूजी, तो पानी में 2 कप पीऊँगी। जितना सूजी लेते हो उसका डबल लेना है। ये देखिए अच्छा सा रोस्ट हो गया, ब्लैक होने मत देना, ब्राउन ही रखना। मेरा थोड़ा सा गैस गर्म हो गया है, तो इसके लिए बस मैंने ऑफ कर दिया है, अब ऑफ कर रही हूँ मतलब। और इस पर नॉर्मली बॉइल्ड वाटर भी डालते हैं, अभी ऑलरेडी बहुत गर्म है इसलिए मैं इसमें नॉर्मल वाटर डालूँ। आप चाहिए तो गर्म पानी डाल सकते हैं। मैंने दो कप लिया, अभी हल्का थोड़ा थोड़ा करके डालना, उड़ेगा संभालना, मुझे ऑलरेडी गर्म है ना। लम्स बिल्कुल मत आने देना। बस एग्जैक्ट हो गया, अभी से पकने दीजिए, अच्छे से पकने दीजिए। इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, या आपके पास कोई प्लेट है तो वो रख देना। ये रख, और गैस को मैंने जो ऑफ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उसको मैं सिम कर दी। जो आप शुगर और जैगरी का मिक्सचर ले रहे हो, आप सिर्फ शुगर भी डाल सकते हो और सिर्फ जैगरी भी डाल सकते हो। मैं दोनों मिक्स करके ले रही हूँ। नॉर्मली ये जो हलवा बनता है वो शुगर में ही बनता है। अगर आपका शुगर बहुत मोटा मोटा है तो आप एक मिक्सर में डाल के उसको थोड़ा पाउडर कर सकते हो। एंड 1 कप, 3/4 to 1 कप होता है स्वीटनेस के ऊपर, आप कैसे शुगर क्या लेते हो उस हिसाब से। ये देखिए अब इसे हमें खोलना है। स्टर कर, ये देखिए इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाना है, निकल गया तो ये फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा। इसे 2 मिनट और बंद करके रखते हैं। हम इसे वापस खोल के देखते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हो गया, दिख रहा है। अब हम इसमें ये शुगर और जैगरी का मिक्स डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेना, इसे मैं मिक्स कर रही हूँ।
ये देखिए अभी ऐसा है, इसमें आप अगर चाहे तो थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। काफ़ी लोग दूध डालते हैं पहले या बाद में, मैंने पहले पानी डाला था, अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालती हूँ, एक हाफ कप आप डाल सकते हैं। बस 1/4 से हाफ कप आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, कभी आपका बहुत डार्क ब्राउन हुआ होगा थोड़ा लाइट हो जाएगा। और कोई लोग फूड कलर भी यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मली हम लोग जब केसरी बोलते हैं तो फूड कलर यूज़ करते हैं, उसमें येलो ऑरेंज ऐसा वाला आता है। अब हम इसमें इलायची डालते हैं। देखिए मैंने इलायची डाल दिया है, इसको स्टर करेंगे और बंद करके रखेंगे। एक्चुअली आप जब स्टार्टिंग में घी गरम करते हो ना, तो तभी आप उसमें काजू को डालकर घी में अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेना। मैं भूल गई थी, मैंने डायरेक्ट रवा डाल दिया था, तो इसलिए अभी मुझे इसको वापस अलग सा पैन में, छोटा पैन में एक आधा टीस्पून घी डालकर इसे रोस्ट करना है। मैं रोस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको आपसे आपको बताती हूँ कब डालना है करके। अभी फ़िलहाल इसको हम बंद करके रख। मैंने इसको बंद करके रख दिया है, थोड़ी देर इसको सिम में रखते हैं। अभी हमें इसे खोल कर देखना है। देखिए हमारी हलवा रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से एक टीस्पून घी डाल सकते हैं। पहले मैंने दो डाला था, अब एक टीस्पून डाल, दो से तीन स्पून में। ये देखिए बस तीन टी स्पून में हलवा रेडी हो गया। मैं ज़्यादा घी नहीं डालती, कम ही डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी को ज़्यादा घी वाला पसंद नहीं है। अब हम इसमें काजू डालते हैं। ये देखिए हमने काजू भी डाल दिया है, अब हमारा हलवा रेडी है। तो ये रहा हमारा सूजी का हलवा। अब गैस ऑफ कर देते हैं, हलवा रेडी हो गया है, मेरी बेटी अभी खाएगी ये गरम गरम। तो गाइज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय, सी यू सून।